ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही भाजपा ने होली के त्योहार पर महंगाई का तोहफा देकर अपने मतदाताओं का कर्ज उतार दिया। आटा, मैदा, तेल, घी समेत सब कुछ महंगा हो गया है। अखिलेश ने यह भी कहा कि 2024 में जनता भाजपा को करारा सबक सिखाएगी। अखिलेश ने भाजपा के जीतते ही कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप तो लगाया ही, साथ ही धान की खरीद न होने को लेकर भी सरकार को घेरा। वही 21 मार्च को अखिलेश यादव ने नव निर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें वो हार की समीक्षा करेंगे। अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं से भाजपा IT सेल से सतर्क रहने की अपील की है। सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश भले ही चुनाव में हार गए हों, लेकिन बढ़ी हुई सीटों और वोट प्रतिशत को लेकर उनमें उत्साह है। अब इस बढ़े हुए वोट प्रतिशत को वो 2024 में बनाने के प्रयास में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव नतीजों से जाहिर है कि जनता के बड़े वर्ग का भरोसा समाजवादी पार्टी पर है। सत्ताधारी याद रखे, छल से बल नहीं मिलता है। इशारों में EVM में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 51.5% वोट मिले और उनके हिसाब से 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन की जीत हुई और यह सच बयान कर रहा है। वैसे भी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी की 2.5 गुना सीटें बढ़ाकर अपना रुझान जता दिया है और भाजपा की सीटों का घटाव भविष्य का संकेत है। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के संरक्षण में अपराधी तत्व फिर सक्रिय हो उठे हैं। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी है। न कानून का डर है, न पुलिस का खौफ। एक मजदूर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इसी तरह धान खरीद न होने से किसान बेहाल हैं। कई जगहों पर खरीद की अवधि समाप्त हो गई है, पर किसानों का धान नहीं खरीदा गया। समय पर किसानों को खाद भी नहीं मिली। भाजपा की सच्चाई सबके सामने है। झूठ का भाजपाई व्यापार ज्यादा चलने वाला नहीं है। जनता ने अब आगे के लिए भी अपनी मंशा का संकेत दे दिया है। वर्ष 2024 में भाजपा को जनता करारा सबक सिखाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब अपने कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं व नेताओं को कोई भी सुझाव अपनी पर्सनल ईमेल आईडी पर भेजने के लिए कहा है। सपा अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं को भाजपा के IT सेल से सतर्क रहने के लिए भी कहा है, साथ ही किसी भी किस्म के सुझाव के लिए सीधे संपर्क करने की बात कही है। वहीं 21 मार्च को सपा ने अपने नव निर्वाचित विधायकों की पहली बैठक बुलाई है। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी हार के कारण के अलावा आगे की रणनीति तय करेगी। सपा इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष का नाम तय कर सकती है। इसके अलावा अखिलेश यादव की करह सीट छोड़ने पर यहां से किसे उपचुनाव लड़ाया जाए, इस पर भी विचार कर सकती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, उत्तर प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।